हेलो दोस्तों, अपन पढ़ने वाले हैं एंटोमोलॉजी। और एंटोमोलॉजी जो अपना वेटेज रखेगा 9 क्वेश्चंस का। प्रीकेजी में से 9 क्वेश्चन आते हैं। अपना अलग से इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ये। और इस टॉपिक में हमें शुरुआत करनी पड़ेगी कि एंटोमोलॉजी में स्टडी करते हैं इंसेक्ट की, एंटोमोस प्लस लोजी, जो कि ग्रीक वर्ड है। सही है, ग्रीक वर्ड। इंसेक्ट की स्टडी करनी हो तो इंसेक्ट होता क्या है, हमें इंसेक्ट के बारे में स्टडी करनी होगी। हम शुरुआत में ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे, पहले इंसेक्ट पढ़ेंगे, इंसेक्ट के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इंसेक्ट के स्ट्रक्चर के बाद में हम पढ़ने वाले हैं उसकी मेटामॉर्फोसिस कैसे होती है, उसके ऑर्गन्स, उसके पार्ट्स की स्टडी करेंगे, उसकी लेग कैसे होते हैं, उसके विंग्स कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, इंसेक्ट कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, ऐसा कुछ। तो इंसेक्ट में हम ऐसे कह सकते हैं कि इंसेक्ट एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हेक्सापोड होता है, हेक्सापोड, हेक्सापोड जिसके 6 टांग होती है, 6 लेग्स। ध्यान दें, जिसके भी 6 पैर होंगे, 6 टांग होगी, 6 लेग होगी, उसे इंसेक्ट में इंक्लूड किया जाएगा, इसे हेक्सापोड्स बोलते हैं। प्लस उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर में आ जाएगा, उसके विंग्स होंगे, उसके एंटीना होंगे, विंग्स क्या काम आते हैं, कहाँ होते हैं, कितने होते हैं, एंटीना कहाँ होते हैं, कितने होते हैं, क्या काम करते हैं, उनके बारे में हम आगे जाके स्टडी करने वाले हैं। पर पहले हमें ये पता चलना चाहिए था, एंटोमोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ध्यान दें, जिसमें आपको स्टडी करनी हो, लॉजी, जिसमें लॉजी लिखा हुआ होता है वही होता है ग्रीक वर्ड। एग्रीकल्चर में जिसमें भी लॉजी लिखा हुआ हो वो होगा ग्रीक वर्ड। ध्यान देना, इंसेक्ट जो है उस इंसेक्ट की स्टडी करना एंटोमोलॉजी साइंस के अंदर होगा। और इंसेक्ट के अंदर हमें, इंसेक्ट के हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हेक्सापॉड होना चाहिए, और उसमें हेक्सापॉड का मतलब 6 लेग होनी चाहिए, उसके अंदर विंग्स होने चाहिए और उसके एंटीना होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो कहलाएगा इंसेक्ट। और अगर इंसेक्ट के बारे में आपको कन्फर्म हुआ कि इंसेक्ट ये है, तो हम इंसेक्ट को फिर डिवाइड करते हैं कुछ पार्टों में। वो पार्ट कौन कौन से होंगे, उनमें से पहला पार्ट जो होगा वो होगा हेड, फिर होगा थोरेक्स, फिर होगा एब्डोमन, हेड। ध्यान देना, इंसेक्ट एक ऐसे सेगमेंटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े, पार्ट्स से जुड़े हुए होते हैं। अगर हेड की बात करें तो हेड में 6 सेगमेंट होता है जो फ्यूज्ड होते हैं, 6 सेगमेंट, 6 अलग अलग पार्ट होंगे, उनके अलग अलग नाम भी है। हम इन हेड के 6 सेगमेंट के अलग से स्टडी करने वाले होंगे। ये सेगमेंट स्पेसिफिक नाम से मिले जाएंगे, मैक्सिला, लेमिला, ऐसा कुछ वर्ड होता है। तो उसमें हमें 6 सेगमेंटेड जो होंगे वो आपस में फ्यूज्ड कर दिया जाता है, वो आपस में जुड़ जाते हैं और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेड। फिर बोलते हैं थोरेक्स, थोरेक्स के अंदर जो सेगमेंट होते हैं वो होते हैं 3 सेगमेंट, 3 सेगमेंटेड। ये तीनों सेगमेंट आपस में जुड़े होंगे तो ये हो गया थोरेक्स। और एब्डोमन की जो स्ट्रक्चर होगी उसमें 11 सेगमेंट होंगे, कितने, 11 सेगमेंट। ध्यान दें, हमें इंसेक्ट के स्टडी में 6 सेगमेंट अलग से पढ़ने होंगे, थोरेक्स के 3 सेगमेंट अलग पढ़ने होंगे, एब्डोमन में 11 सेगमेंट कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से सेगमेंट क्या क्या रखता है, इसकी स्टडी अलग से पढ़नी होगी। तो देखिएगा, हम लोगों ने यहाँ पे अभी देखा कि इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट की स्ट्रक्चर क्या होगी। हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है एक बहुत बार कि इंसेक्ट जो होते हैं वो होते हैं हेक्सापॉड्स, सभी हेक्सापॉड इंसेक्ट में इंक्लूड होंगे, यानी उनमें 6 पैर होने चाहिए। अगर किसी में
चार लेग है, चार लेग है तो वो इंसेक्ट में इंक्लूड नहीं होगा। विंग्स, एंटीना, एंटीना उनका एक स्पेशल करेक्टर है जो सेंस करने का काम करता है, सेंस करता है कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हो या फिर कोई भी केमिकल चेंजेस हो, उसे उसे चेंज उसे सेंस करने का काम करते हैं एंटीने। और हेड जो हेड के अंदर हम अलग से स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, छह सेगमेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, हेड जो होता है इंसेक्ट का वो कितने सेगमेंट से मिलकर बना होता है? छह सेगमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे, अगर इंसेक्ट एक इंसेक्ट है उसकी स्टडी की आपने ये, और अगर इंसेक्ट का एक ग्रुप बन जाए, क्या बन जाए? ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, या हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट, पॉपुलेशंस ऑफ इंसेक्ट। पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट की बात करें, अगर कोई भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन जो इकोनॉमिक इंजरी कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हो तो वो इंसेक्ट कहलाएंगे पेस्ट। तो हम पेस्ट केवल इंसेक्ट के लिए नहीं बोल सकते, हम पेस्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं कि पेस्ट ऐसी पॉपुलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो इंसेक्ट की हो, चाहे वो इंसान की हो, चाहे वो किसी भी मंकी की हो या रोडेंट्स की हो या फिर इंसेक्ट की हो, जो एक लेवल से ज्यादा डैमेज क्रिएट करती है तो उसे हम बोलते हैं भाई पेस्ट। क्या बोलते हैं? पेस्ट। याद करें, इन पेस्ट को आगे जाके हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्यों? कि इस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ अलग अलग तरीकों को एक लिमिटेड प्रोपोर्शन में ऐड करके और उनको इन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं, उसे बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अलग से टॉपिक आएगा IPM, ठीक है। तो हमने ये कहा कि इंसेक्ट जो है उनकी स्टडी करो, इंसेक्ट की स्टडी के बाद में अगर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट की बात करेंगे यानी कि पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वो आगे जाके बन जाएगा पेस्ट, और वो पेस्ट जो होगा उसकी उसकी कंट्रोलिंग उसकी स्टडी अलग से करने लगेंगे, तो हम उसे उसकी स्टडी होगी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब हम ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई इंसेक्ट एक इकोनॉमिक इंजरी क्या होती है देखते हैं, इकोनॉमिक इंजरी, इकोनॉमिक का मतलब जो हमें आर्थिक रूप से नुकसान करे, और नुकसान कैसे करे, एक ऐसी इंजरी जो अगर कॉज होती है तो उसकी रिकवरी हो जाए, अगर रिकवरी हो जाए इसका मतलब वो इंजरी नहीं है। जैसे जैसे कोई क्रॉप है वो अगर फील्ड में लगी हुई है और उस क्रॉप को अगर एक टाइम से पहले उसे काट लिया जाए तो वो वापस से ग्रो कर जाती है, तो उसमें इकोनॉमिक लॉस नहीं हुआ, वो इकोनॉमिक डैमेज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो इकोनॉमिक इंजरी नहीं है। तो एक मिनिमम लेवल जो इकोनॉमिक इंजरी कॉज करता है उसे हम बोलते हैं पेस्ट के द्वारा क्रिएट किए जाने वाली ITL, या उसे बोल दो EIL, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इकोनॉमिक इंजरी लेवल जो होगा वो किसी भी इंसेक्ट के द्वारा क्रॉप में या ह्यूमन बीइंग्स में या लाइव स्टॉक में हमें क्या करेगा, एक नुकसान क्रिएट करेगा, और उस नुकसान को हम बोलते हैं EIL। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक इंजरी लेवल, और वो होगा लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी विच कॉज इकोनॉमिक डैमेज। तो अब मैं इन सभी पॉइंटों को एक 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 पॉइंटों को लिखने वाला हूँ और आपको अलग से डिफाइन करके उनकी डेफिनेशन लिखने वाला हूँ, जिसको आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है? ओके।